हाय फ्रेंड्स, आई एम विजय। वेलकम बैक अगेन माय यूट्यूब चैनल। और ये है मेरा डेस्क वर्क एरिया, और आप देख सकते हैं कि कितना मेस पड़ा है। मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट का काम शुरू है और टाइमिंग हुआ है रात के 11:30। सो 11:30 हो चुके हैं और मैं आज आपको मेरी डेस्क टूर का वीडियो दिखाने वाली हूँ। फ़िलहाल ये जो पूरा मेस है वो मैं क्लियर कर देती हूँ, और उसके बाद मैं बताऊँगी कि मेरे बाकी सारे सेक्शन में क्या क्या है। सो लेट्स सी। सो नाउ माय डेस्क इज़ ऑर्गेनाइज्ड एंड दिस इज़ I made myself DIY card. I love gold color, so this is my pretty DIY card. अगर मेरा business card होगा in future तो बिल्कुल ऐसा ही होगा। पीछे सब नाम और address होगा, but आगे तो मुझे बिल्कुल ऐसा ही चाहिए। सो ये हमेशा यहाँ पे रहता है, मुझे याद दिलाता है कि मुझे बहुत काम करना है ताकि मैं अपने ड्रीम को कंप्लीट कर सकूं। सो इस तरह से मैंने ऑर्गेनाइज किया है, देखिए ऐसे। और ये है मेरा शूटिंग ट्राइपॉड, और ये जब मुझे यूज़ नहीं करना है तो इसे मैं इस तरह से बंद करके साइड में रख देती हूँ और यहाँ पे टेबल पे वर्क करती हूँ। सो आइए देखते हैं कि क्या क्या है मेरे डेस्क पे। तो सबसे पहले डस्टबिन बहुत ज़रूरी है, और अगर मैं इस डस्टबिन को यूज़ ना करूँ तो मेरे पास पेपर बॉक्स डस्टबिन भी होती है, वो आके मैं बताती हूँ। तो ये हमेशा मेरे डेस्क पे रहती है। नेक्स्ट है मेरा पेन पाउच, जिसमें मेरी सारी पेंस हैं अंदर, देखिए। और इसमें बहुत सारी जगह है, और भी स्टफ्स रह सकता है, सो हमेशा मैं इसे अपने साथ रखती हूँ। और ये काफ़ी हैवी भी है। सो दिस इज़ माई पेन पाउच। नेक्स्ट जो है वो मैं आपको बताती हूँ, इसमें है मेरे प्लांट्स, ओके। खोल के बता देती हूँ आपको, ये है मेरा पर्सनल प्लानर, ये है मेरी बुक जो मैं रीड कर रही हूँ, और ये मेरा छोटू सा 2019 मंथली प्लानर भी कह सकते हैं, और कुछ स्टिकर्स, पेन और कुछ पिन क्लिप्स और कुछ हैंडमेड DIY टैसल्स कह सकते हैं। सो अब मैं इसे कर देती हूँ क्लोज, से यू शिफ्ट कर देती हूँ कॉर्नर में, ओके। सो यहाँ पे है मेरा फ़ोन स्टैंड, ये DIY है, एक्चुअली ये वॉच का स्टैंड है जिसे मैंने अपने फ़ोन स्टैंड के लिए यूज़ किया है। अच्छा लग रहा है ना? यस। सो ऐसी चीज़ें फेंकिए मत, यूज़ कीजिए। नेक्स्ट है मेरे ये सारे स्टैम्प्स हैं विथ स्केच पेन विथ स्टैम्प, मेरी छोटू स्टैम्प मुझे बहुत पसंद है, यू नो लाइक दिस, आई लव दिस बास्केट। अनुपम स्टोर से ख़रीदा था, आपने मेरा अनुपम स्टोर स्टेशनरी हॉल देखा होगा तो आपको पता होगा। मेरा सिप, ये मैंने विरार वेस्ट से एक मार्केट में सेल था तो वहाँ से ख़रीदा था, और ये बहुत ही बढ़िया है। इसकी लीड जो है
इसका जो ढक्कन है वो भी बहुत अच्छी तरह से मतलब कंफर्टेबली पैक रहता है एंड आई लव इट आइसक्रीम स्कूप. ओके सो नेक्स्ट है एरियल का डब्बा नहीं है, इसमें मेरे सारे पेन्स हैं, स्केच पेन्स हैं और काफ़ी ये प्लास्टिक का है, बॉक्स का नहीं है, तो ऐसी चीज़ें हमें रखनी चाहिए. ये मेरा ब्यूटीफुल दिस प्रिटी ना फॉर डेकोरेशन के लिए. इसमें है मेरे स्टेंसिल्स, DIY स्टेंसिल्स. इसमें है मेरे वॉशी टेप सैम्पल्स. कितना स्लीमी बॉक्स है, तो ऐसे छोटे छोटे बॉक्स हमें ट्रैवलिंग में अगर लेके जाना है तो लेके जा सकते हैं. तो इस बॉक्स को मैंने यूज़ किया है. देखिए मेरा पेन कलेक्शन, मेरे ब्रशेस है, ये इसमें सारे ऐसे बहुत डिफरेंट डिफरेंट पेन्स हैं, सेलो, ये मेरे प्लानर्स होंगे शायद, आई डोंट नो. और नहीं, ये मेरी फेवरेट फ्लेमिंगो, दिस ये मेरी फेवरेट है, आई लव फ्लेमिंगो पेन. मैं आपको दिखाती हूँ, दिस आपने मेरा पेन कलेक्शन देखा होगा वीडियो, तो उसमें मैंने दिखाया था. और ये कभी कभी मेरे डेस्क पे ऐसे स्टैंड करती हूँ, मैं रखती हूँ जब मैं इसे यूज़ करती हूँ. प्रिटी ना, क्यूट ना. और भी है मेरी फेवरेट पेन, ये दिस इज़ माय फेवरेट, सबसे कॉस्टली रखी है मैंने कैसे. और कुछ और भी अलग हार्ट स्टैम्प विथ मार्को. सो ये पूरा कलेक्शन है मेरे पेन का, जो इसमें बहुत ही अच्छी तरह से आ. अब बारी आती है ये सेक्शन की, ये है मेरा छोटा सा मिनियंस जो मेरे हबी ने मुझे गिफ्ट किया था मेरे बर्थडे पे, नहीं जब वैलेंटाइन डे का मतलब फेब का जो मंथ था जिसमें टेडी डे देना था, तो उन्होंने मुझे ये दिया था एंड इट वॉज़ प्रिटी. और ये हमेशा मेरे साथ रहता है टेबल पे भी और जब मैं ट्रैवल करती हूँ तब भी. और एक्चुअली इसके अंदर है ना चीज़ है मेरी कबड की, तो इसलिए मैंने इसे ऐसे रखा है स्टोर करके. और ये मेरी एंग्री बर्ड्स क्यूटी पाई एंड दिस इज़ माय, ये मैं एक्चुअली मेरे भाई के पास था, ये दिशांत नाम है उसका, तो ये उसके पास था, पेंसिल में इसे अटैच करते हैं, सो आई लव इट. सो नेक्स्ट है, इसमें मैं अपने नए स्टिकर्स रख रही हूँ, जो सिंगल सिंगल स्टिकर्स आते हैं ना वो इसमें रख रही हूँ. ये मेरे हर्शी सिरप की बॉटल है जिसका यूज़ मैंने स्टिकर्स के लिए किया है. सो ये है A5 मोबाइल, नहीं है ये है इसमें मेरा वॉशी का पिटारा. ओके सॉरी, ये देखिए मेरे नए वॉशीज, प्रिटी. एंड द नेक्स्ट सेक्शन इज दिस वन, इसे मैंने डीमार्ट से ख़रीदा था और देखिए इसके अंदर हम कितनी सारी चीज़ें स्टोर कर सकते हैं. इसके अंदर है मेरी पेंसिल्स, कलर पेंसिल्स, ग्लू, सीज़र, क्लिप, माय पेपर बैग, गार्बेज डस्टबिन टाइनी साइज, मेरा ब्रश, सॉरी मेरे ब्रश, एंड दिस इज माय 3D एम्बॉसिंग सीज़र, या क्राफ्ट पेपर्स, सम डबल साइडेड टेप एंड आई डोंट नो इट्स एम्प्टी. अगर कुछ भी रखना है इसमें तो रख सकते हैं. सो दैट्स इट. सो द बैक साइड अगेन, इस तरह से. सो अब ये सेक्शन हो चुका है, अब नेक्स्ट है ये है मेरे पेपर वेट्स.
तीन पेपर वेट्स, पेपर उड़ ना जाए इसलिए हम रखते हैं। ये काफ़ी हैवी है, ये एक्चुअली डोर का लॉक है जो टूट चुका था, बट ये काफ़ी हैवी है इसलिए तो पेपर वेट के हिसाब से मैं इसे यूज़ करती हूँ। इसे गोल्ड कलर कर दिया, मैं हमेशा हर चीज़ों पे गोल्ड कलर यूज़ करती हूँ, मैं क्रेजी गर्ल। सो ये है पेपर वेट ऐसे, और ये एक्चुअली इसके अंदर बहुत ही यू नो थिक कांच है जिससे मैंने कोटिंग किया हुआ है बहुत अच्छी तरह से। ये टूटेगा नहीं, फेंकेंगे तो टूट जाएगा बहुत ऊपर से, बट ऐसे नहीं टूटेगा। सो दिस काफ़ी हैवी है, तो ये है पेपर वेट। सो ये भी एक DIY चीज़ हो गई। एंड दिस इज़ माय स्टैंड, शूटिंग स्टैंड, जिसे मैंने बहुत अच्छी तरह से देखिए डेकोरेशन किया है। इसका भी अपनी जो फैब्रिक वॉशी टेप है उसे मैंने लगाया है, और ये बहुत ही क्यूट लग रहा है। ऐसा लगना चाहिए कि मेरा यू नो ट्राइपॉड है, सो आई लव इट। ओके, तो अभी ये है मेरी कंपास बॉक्स। मुझे बहुत पसंद है कंपास, मतलब इसे देख के मुझे अपनी स्कूल की याद आती है, बचपन की यादें आती हैं। और इसमें एक्चुअली बचपन जैसा तो कुछ है नहीं, शार्पनर, इरेजर, गोल्डन पेंस, पेंसिल्स एंड माय वॉशी पेंस कह सकते हैं। यस, इसका मैंने डेमो दिया हुआ है, आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख लीजिए। एंड दिस इज माय पेंसिल, ये भी इरेजर है, और इसे भी मैंने गोल्ड कलर कर दिया। आई एम क्रेजी, आई लव मिकी एंड मिनी। सो इसे भी मैंने डीमार्ट से खरीदा था एंड आई लव इट। सो आइए देखते हैं नेक्स्ट बॉक्स सेक्शन में क्या है। तो ये है मेरा स्टैम्प बॉक्स, इसमें मेरे सारे स्टैम्प हैं, अल्फाबेट नंबर स्टैम्प, कुछ नोट पैड्स जिस पे मैंने अपने स्टैम्प्स के यू नो सैम्पल्स लगाए, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये सारे स्टैम्प मेरे पास हैं। ये है उसमें इंक पैड, रेड ब्लैक ब्लू, मैंने इसे अनुपम से ख़रीदा था। ये USB फैन नहीं है, इसमें वो ब्लॉक है जिस पे हम ये स्टैम्प यू नो स्टिक करते हैं, वो ब्लॉक से। ये अमूल बटर नहीं है, इस बॉक्स को भी मैंने यूज़ किया है, इसमें मेरे हैं स्टैम्प। सो ये है मेरे स्टैम्प, और ये है इंक, ग्रीन, पिंक, ब्लू, तीन सेट्स, और ये भी एक इंक पैड है जो ये पूरे किट के साथ आया था, 49 rupees का, अनुपम स्टोर से ख़रीदा था, बहुत ही अच्छा है। उसी के ये देखिए सैम्पल्स, नाइस ना। और क्या है इस पिटारे में देखते हैं। मेरे ना डेस्क पे DIY चीज़ें बहुत होती है, मैं ज़्यादा DIY चीज़ें बहुत यूज़ करती हूँ। और ये भी एक शू बॉक्स है जिसे मैंने येलो पेज से पेपर से कोट कर दिया, और बहुत ही अच्छी तरह से यूज़ होता है। सम डेट स्टैम्प, माय फ्रेंड स्टैम्प, सम क्लिप्स, बाइंडर क्लिप्स, सम डिज़ाइन स्टैम्प, देखिए वेरी गुड, थैंक यू माय फ्रेंड, सम, अगर आपके पास ऐसे किट है वो सेलो टेप का तो उसे फेंकिए मत, इसमें आप वॉशी टेप लगा के इसका यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ रियली नाइस। ये मैंने अपने जो स्टैम्प्स है जिसे मैं निकालती हूँ तो मैं इस पर रखती हूँ यूज़ करते वक्त, तो इसीलिए है। और ये कुछ DIY स्टैम्प्स है जिसे फॉर्म शीट से इसे कट किया है मैंने, स्टार शेप में, क्राउन एंड बटरफ्लाई, और जस्ट स्टैम्प इट। बताऊंगी मैं एक दिन अपना स्टैम्प कलेक्शन का वीडियो आपको पूरी तरह से। ओके,
अभी देखते हैं नेक्स्ट क्या है बॉक्स में. हाँ दिस इज़ द लास्ट बॉक्स. ये भी एक नहीं, ये मेरे कैमरे का बॉक्स था, निकन का जो मैंने कैमरा लाया था वो इस बॉक्स में आया था, इसलिए सबसे बड़ा बॉक्स है. ये ऐसे ही मैंने कुछ अमेज़न से मंगाया था तभी आया था. ये ये चीज़ बहुत काम आती है. ये एक्चुअली आटे की थैली है, लेकिन इसे मैंने धो के इसमें ना काफ़ी सारा स्टफ्स हम रख सकते हैं, तो इसीलिए मैंने इसे रखा है, क्योंकि मेरे काफ़ी लॉन्ग पेपर्स इसमें रहते हैं बहुत अच्छी तरह से. ये पर्स है और इसमें है, सो इसमें सारे लेबल स्टिकर्स हैं, सारे बटन स्टिकर्स हैं, मतलब जो भी स्टिकर्स मुझे मिलते हैं ना वो इसमें डाल देती हूँ. सब सिंगल स्टिकर्स हैं इसमें. इसमें भी ये ऐसी एम्प्टी है शायद से. या दिस इज़ एम्प्टी पाउच. ये स्मॉल गार्बेज बॉक्स मेरा डस्टबिन. सम मोर स्टिकर्स. ये मेरा स्टिकर बॉक्स है. यस दिस इज़ माय स्टिकर बॉक्स. दिस इज़ माय सैम्पल वॉशी बुक. और इसमें सारे स्टेंसिल्स हैं. ये देखिए इंडिया का स्टेंसिल्स है ना, तो इसमें सारे स्टेंसिल्स हैं पाउच में. और ये है मेरे सारे स्टिकर्स. एंड इसमें भी मेरे छोटू छोटू स्टिकर्स हैं. और इसके अंदर भी मैंने स्टिकर्स ही रखे. ओह माय गॉड सच है, लुक एट दिस. सो ये है मिनी स्टिकर्स, छोटे छोटे स्टिकर्स रहते हैं ना वो. ये आपको पता है क्या है, ये जो नेल रिमूवर्स का जो हाँ जो डब्बी आती है उसका यूज़ किया है मैंने, और उस पर ये पेपर लगा दिया है. एंड दिस इज़ यूज फॉर माई स्टिकर्स. तो काफ़ी सारे मेरे डेस्क पे DIY चीज़ें हैं, मोस्टली मैं वही यूज़ करती हूँ. मैं अलग से कुछ अलग से नहीं खरीदती हूँ. आपने देखा मैं जो भी ऑर्गेनाइज़ किया है वो सारी चीज़ें मैंने खरीदी हुई नहीं है, सब घर में यूज़ की हुई चीज़ें हैं. तो ऐसी ही चीज़ें आपको डेस्क के लिए डेस्क पे आप मतलब यूज़ कर सकते हैं, मतलब जिससे आप सेविंग कर सकते हैं, तो मैं यही करती हूँ. और मेरे फ्रंट में है ये कलर्स जो मैं यूज़ करती हूँ, वाटर कलर्स. और ये है मेरा हैंड सैनिटाइज़र जिसे मैंने मीरा रोड मार्केट से ख़रीदा था, जिसका मैंने आपको मीरा रोड का हॉल दिखाया था ना, वहाँ से ख़रीदा था. और ये बहुत ब्यूटीफुल है, इसमें मैंने डेटोल का हैंड सैनिटाइज़र भर लिया है. सो दिस इज़ रियली नाइस. ये भी मेरे साथ हमेशा ट्रैवल करता रहता है. सो ये पूरा मेरा डेस्क टूर आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए अगर आपको मेरा डेस्क टूर अच्छा लगा हो तो. दैट्स इट, यू नो गाइस, बाय बाय. से बाय 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 बाय.